मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने लाहौर में खुले मन से कह दिया कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, वो आतंकी नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे। इस पर उनकी अब खूब तारीफ हो रही है। दरअसल जावेद साहब पाकिस्तान के लाहौर में 17 से 19 फरवरी तक आयोजित फैज फेस्टिवल में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने सवाल किया, जावेद साहब क्या आप हिंदुस्तान जाकर वहां के लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान बड़ा फ्रेंडली, लविंग और पॉजिटिव मुल्क है, हम बम नहीं मारते, फूल भी पहनाते हैं और प्यार भी करते हैं। इस पर जावेद अख्तर ने कहा, हम तो मुंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे हमला हुआ था। वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना ही इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हर हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहंदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, लेकिन आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। ये जो बंदिश आया है कम्युनिकेशन पे और कहीं एक कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ कीजिएगा दोनों तरफ से, और शायद थोड़ी सी आंखियां ज्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम ना दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। एक तरफ जहां जावेद अख्तर के इस जवाब पर उनकी खूब तारीफ हो रही है, तो वहीं जावेद अख्तर के इस जवाब पर नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। आइए जानते हैं कि नेताओं का इस पर क्या कहना है। चलिए अच्छी बात है, अगर उनको ये चेता आ गया कि पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता, नहीं तो वो तो अमन की बात करते थे पाकिस्तान के साथ, अमन की मोमबत्ती जलाने की बात करते थे, अमन की यात्रा की बात करते थे। आज उनको रियलाइज़ होने लगा आज, क्योंकि पाकिस्तान में ही आज आतंकी हमले हो रहे हैं, वो जो 30,000 आतंकी भारत की ओर भेजने से आज वहीं बम फोड़ रहे हैं, तो शायद उनको इस बात का ख्याल आने लगा। जावेद अख्तर साहब ने बहुत सही बात कही है, पाकिस्तान को आईना दिखाया है, और ये बात कोई ऐसा ही आदमी कह सकता है जिसके अंदर हिम्मत हो। जावेद अख्तर को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा नॉमिनेट किया था, कांग्रेस का आदमी ही इस तरीके की जबान पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल के बोल सकता है। बहादुर भारतीय होने का परिचय दिया है, पाकिस्तान की धरती पर जाकर उन्होंने ये बात कही, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा हम तो अपने देश के अंदर नुसरत फतेह अली खान साहब के और मेहंदी हसन साहब के बड़े बड़े शो करवाते रहे हैं। भारत लौटने पर जावेद अख्तर ने अपने बयान को लेकर लाहौर में मिली प्रतिक्रिया पर बात की। जावेद साहब ने एक इंटरव्यू में बताया, हॉल में मौजूद लोग मेरी बातों से सहमत थे और सभी ने इस पर ताली भी बजाई। कई लोग हैं जो भारत की तारीफ करते हैं, वो भारत से बेहतर संबंध चाहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहां बंटवारा ना हो। हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लाखों लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाए।